देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय नैनूकला में शिक्षण सामग्री वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 40 छात्र छात्राओं को पुस्तकें वितरित की गई और शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक किया। शुभारंभ प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह, शिक्षक संकुल नरेंद्र तिवारी, कुंवरजी सोगरवाल ने संयुक्त रूप से किया। देवेंद्र सिंह व मुकेश कुंतल ने कहा कि बच्चों के जीवन में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सकारात्मक सोच के साथ बच्चे समाज का उत्थान करने के अग्रसर होंगे। इससे पूर्व अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, शिक्षक संकुल गिरधर सिंह, विकास यादव, प्रधानाध्यापक बाल कृष्ण, वेदवीर सिंह, विनोद चौधरी, अखिलेश कुमार वर्मा, रेखा यादव, अशोक कुमार, देवेंद्र सिंह, जय प्रकाश आदि उपस्थित थे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या? आज विद्यालय में क्या आयोजन किया गया है? आज दिनांक 28/10/2021 को विद्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग की और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन का निर्देश है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से संपूर्ण परिवार और अन्य समुदाय और लोगों का सहयोग लेकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह रूप में आयोजित करते हुए आज बच्चों को पुस्तक वितरित करेंगे। एक लंबी कोरोना काल बीमारी के उपरांत बच्चों को ये नई पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं, वो बच्चा बच्चों में आ रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न और हर्षित होंगे।